अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं करने वाला हूँ कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग। आपने देख ली होगी, आफ्टर बिफोर आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं वीडियो जल्दी शुरू कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम चले जाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी में। ये रहा हमारा मॉडल, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ लाइट रूम के अंदर। लाइट रूम में ऐड करने के बाद लाइट रूम को ओपन कर लेता हूँ। तो ये ओपन हो गया है। ओपन करने के बाद अब मैं पहले इसकी लाइट एडजस्टमेंट कर लूँगा। आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ। वेट को कम करना है, एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ाना है। सबसे चले अब चले आते हैं कलर के अंदर। कलर के अंदर सबके से पहले ग्रीन कलर पे जाएंगे। इसकी सैचुरेशन को फुल माइनस, येलो की सैचुरेशन को फुल माइनस, इसकी सैचुरेशन को भी फुल माइनस, सबकी सैचुरेशन को माइनस कर देना है। अब रेड पे चले आते हैं। रेड वाला कलर जो आपको दिख रहा है ना, आप यहाँ पे चले, बल्कि ऑरेंज पे। आपने आपको फेस जितना वाइट चाहिए उतना आप कर सकते हैं लुमिनेंस को बढ़ाकर। अब रेड पे चले जाते हैं। नेक्स्ट ये देखिए शर्ट वाला कलर जो है, मतलब जितना आप जैसा रखना चाहें रख सकते हैं। तो यहाँ से इसको डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद इफेक्ट के अंदर जाने के बाद इसको थोड़ा सा प्लस करते हैं और क्लैरिटी को बढ़ाते हैं। विगनेट को माइनस करेंगे, मिड पॉइंट को माइनस करेंगे और फेदर को प्लस। तो ये भी डन हो गया। ये डन करने के बाद अब चले जाते हैं डिटेल के अंदर। डिटेल के अंदर जाने के बाद शार्पनिंग को बढ़ाएंगे और नोज डायरेक्शन को भी बढ़ाएंगे। तो ये भी बढ़ा लिया। अब चले जाते हैं प्रोफाइल के अंदर। प्रोफाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ से एक फ़िल्टर है वो ऐड कर लेते हैं। कौन सा वाला? नहीं, ये वाला नहीं होगा, मतलब आर्टिस्ट वन वाला ही है। अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करके इसका साइज थोड़ा कम कर लेंगे। तो ये डन हो गया। यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। तो पिक्चर हमारी सेव हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा सेव होने में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आगे बहुत कुछ करना है। अब इस पिक्चर को लाइट मतलब गैलरी में मैं ढूँढ लेता हूँ। ढूँढने के बाद तो ये रहा हमारा पिक्चर। इसको अब मैं शेयर कर लेता हूँ स्केच बुक के अंदर। स्केच बुक के अंदर इसको शेयर कर लेता हूँ। तो ये हमारे स्केच बुक के अंदर आ गई है। समग्री वाला ब्रश मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। और इसकी सेटिंग कुछ इस तरह से रखनी है, बिल्कुल सेम जैसे रखी हुई थी मेरी। मैं वीडियो को थोड़ा सा मतलब जल्दी चला रहा हूँ तो आप नाराज़ बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि अगर मैं फास्ट नहीं करता वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। तो ये भी बस आप लोगों के लिए करता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। तो आप लोगों ने आराम आराम से इसको स्मूथ कर लेना है, ख्याल से करना है, बिल्कुल मतलब इधर उधर भी ना जाए। सेटिंग आपने देख तो ली है, सेटिंग बिल्कुल सेम ऐसी रखनी है और स्मूथ स्लो करना है। जितना स्लो करेंगे उतना ही अच्छी पिक्चर बनेगी। तो इसको मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना बने। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आगे भी मैंने बहुत कुछ करना है आप लोगों को। आज स्केच बुक के अंदर बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो इसको मैं जल्दी जल्दी से स्मूथ कर लेता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लें। फिर से बोल रहा हूँ आपको, रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ यार, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ स्पेशल, इतनी मेहनत करता हूँ, आपका इतना तो हक बनता है, आप सपोर्ट करें मुझे। तो नाक वाली साइड पे भी स्मूथ कर लेते हैं। नाक को इस तरह स्मूथ करना है जिस रुख में मतलब हो साइड में, उसी तरह स्लाइड करना है आपने अपने ब्रश को, मतलब ऊपर नीचे करना है स्मूथ जब नाक पर करें। तो ये गाल बालों पे बिल्कुल भी नहीं मारना ताकि बाल हमारे क्योंकि ब्लर हो जाएंगे अगर बालों पे मारेंगे तो। तो आराम आराम से इसको कर लेते हैं। तो ये सब करने के बाद बिल्कुल आराम आराम से करना है ताकि पता भी ना चले। देखें कितना मस्त स्मूथ हो रहा है, वो भी HD वाला बिल्कुल। तो बाकी रहता है यहाँ से भी थोड़ी के ऊपर भी बना लेते हैं इसको। आप लोगों ने बिल्कुल आराम आराम से करना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। आगे आंखों में लेंस डालने हैं, वो भी आपको तरीका बताता हूँ, वो कौन सा ब्रश है जिसमें मतलब परफेक्ट और बिल्कुल VIP लेंस डालेंगे। वो भी एक सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर नहीं है, इसी में एक पिंसिल है मतलब ब्रश है, वो इसी पे मैं डालूँगा। तो साइज़ को आपने कम करते आना है, जैसे आपको सही लगे ना बिल्कुल आपने वैसा करना है। जहाँ पर आपको लग रहा हो कि यहाँ पर साइज़ कम चाहिए तो वहाँ पर कम कर लें, जहाँ पे आपको लग रहा हो कि साइज़ ज़्यादा चाहिए आप वहाँ पे ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारा फाइनली तकरीबन स्मूथ डन हो गया। कान पे थोड़ा रहता है, इसको कर लेते हैं।
सपोज हमारा डन हो गया है। अब मैं लेयर पे क्लिक करता हूँ, इसका एम्प्टी लेयर बना लेता हूँ और पहली नंबर बेसिक वाली पिंसिल इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और वाइट कलर को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। कलर आपने यहाँ पे वाइट ऐड करना है, मेरे तो ऑलरेडी ऐड है, आपने वाइट ऐड करना है। इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ, आपने आराम आराम से ऐसे फेरना है इसको और दूसरी आँख में भी फेरना है। ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो इसको मतलब पतला कर लेते हैं, साइज़ कम कर लेते हैं, इसका साइज़ कम कर लेते हैं। तो ये देखें कितना मस्त लग रहा है। तो ये करने के बाद इसको ओपेसिटी कम कर देते हैं, कम करने के बाद अब इसको मर्ज कर देता हूँ। तो ये मर्ज हो गया, अब ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करके सेव टू की डायरी गैलरी कर लेता हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर दें।